स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। सो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? जो बाइनरी फ्यूजन है उसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होता है दो न्यू ऑर्गेनिज्म में, और जो मल्टीपल फ्यूजन है उसमें जो पेरेंट है वो स्प्लिट होता है मल्टीपल न्यू ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, मीन जब कंडीशन एनवायरनमेंट कंडीशन फेवरेबल होगी तभी वो हो सकता है बाइनरी फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन जो है वो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी टेक प्लेस हो सकता है। सो बाइनरी फ्यूजन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म्स, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। मल्टीपल फ्यूजन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रायो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। सो जो सेल फॉर्म होता है और वो फर्टिलाइज होकर एम्ब्रायो बनता है तो वो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलती है? तो मदर्स ब्लड के थ्रू एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा, उससे एम्ब्रायो को क्या मिलती है? नरिशमेंट। सो द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशंस फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। सो जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है कि वो ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ट्रेड, ठीक है। तो वो एक पेरेंट से कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं? ऑफ स्प्रिंग पे, चाइल्ड में, तो उसकी इम्पोर्टेंस होती है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज डेट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू इट्स ऑफ स्प्रिंग। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, वॉट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कितने सारे मोड्स होते हैं? 5 मोड्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है फिजन, सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो द वेरियस मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन, वो किसके टाइप्स हो जाएंगे? फ्यूजन के। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन, राइट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जो भी पॉलन ग्रेन्स है एंथर से कहाँ पर ट्रांसफर होती है? स्टिग्मा तक फ्लावर में, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन के। अब ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दो, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो सेम फ्लावर में होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कि मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है टू फॉर्म जायकोट, उसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जायकोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जायकोट क्या होता है? सेल होता है जो कि डेवलप्ड होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।